हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, जूते या चप्पल दान करना, जी हाँ दोस्तों, जूते या चप्पल दान करने से क्या होता है? दोस्तों, जीवन में हम बहुत सारे चीजें दान करते आते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी अन्न दान करते हैं, कभी पैसों का दान करते हैं, लेकिन जब दोस्तों कभी हम जूते चप्पल का दान करते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है, मतलब इसका क्या फायदा होता है? दोस्तों, धार्मिक कार्य में यदि हम इसे दान करते हैं, दोस्तों इसे देखा जाए तो इससे क्या ग्रह अनुकूल होता है? तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, जूते चप्पल का दान करने से पहले जानते हैं कि जूते चप्पल के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे पहला जूता 4000 साल पहले चमड़े से बनाया गया था, जो गर्मी से पैरों की सुरक्षा करता था। दोस्तों, एक जूते के निर्माण में 100 से ज्यादा प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। दोस्तों, पैनिश की एक गुफा में 15000 साल पुरानी पेंटिंग्स में भी जूते की इमेज से दर्शाया गया है। दोस्तों, जूते में हील्स का उपयोग इसलिए किया जाने लगा जिससे रेगिस्तान इलाके में जलती रेत से एड़ी को बचाया जा सके। 19वीं शताब्दी तक दोनों पैरों के एक ही जूते एक जैसे आते थे। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में फिलाडेल्फिया में सबसे पहले लेफ्ट और राइट पैरों के जूते अलग अलग बनाए गए। दोस्तों, 18वीं शताब्दी तक यूरोप में पुरुष और महिला के लिए जूते एक जैसे आते थे, उन जूतों में कोई फर्क नहीं होता था। यूरोप में 16 या 17वीं सेंचुरी में जूते पर लगी हील्स के रंग हमेशा लाल ही होते थे। दोस्तों, अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने वाले जूते का साइज 8.5 महिला के लिए और 10.5 पुरुषों के लिए होता है। तो दोस्तों, इस तरह गजब है, अजब है जूते का कमाल। जी हां दोस्तों, जूते का इतिहास देखने जाए तो बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, ऐसे जूते यदि दोस्तों आपके पैरों में आप जूते पहनते हैं, ये आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं। तो जी हां दोस्तों, यदि हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोचते हैं, यदि हम जूते चप्पल किसी को दान में देते हैं, तो इसके आपके जीवन पर क्या असर डालते हैं, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, जूते चप्पल हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत ही असर करते हैं। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ज्योतिष में भी जूते चप्पल का काफी महत्व है। इसे व्यक्ति और किस्मत से जोड़ा गया है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में जूते चप्पल से संबंधित कुछ नियम भी है। इन नियमों का पालन करने से जातक को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। जी दोस्तों, वही इन नियमों का पालन नहीं करने से शनि भगवान नाराज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी भी मंगलवार, शनिवार और ग्रहण वाले दिन जूते चप्पल नहीं खरीदना चाहिए, ना अमावस्या के दिन जूते चप्पल खरीदे। जूते चप्पल नए हो या घर के अंदर इस्तेमाल करते हो, उन्हें किचन में पहनकर नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा माता नाराज होती है। दोस्तों, स्टोरूम में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। ये स्थान माता अन्नपूर्णा से जुड़ा होता है, वह अनाज रखा जाता है। ऐसा करने से घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें, कभी भी किसी एक दूसरे के जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए। यहाँ तक कि घर के किसी भी सदस्य भी एक दूसरे के जूते चप्पल नहीं पहने। दोस्तों, जूते चप्पल का संबंध शनि से होता है। ऐसे करने से शनि भगवान अशुभ फल देते हैं। तो दोस्तों, पुराने जूते चप्पल को फेंकने की बजाय किसी को दान करें। दोस्तों, इसे किसी को दान कर सकते हैं। ऐसा करने से किस्मत बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मान्यता है कि शनिवार के दिन जूते चप्पल दान करना लाभदायक माना जाता है। दोस्तों, यदि आपके ऊपर भगवान शनि की ढैया चालू है या साढ़े साती का असर है,
दोस्तों यदि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है, तो दोस्तों शनिवार के दिन आप जरूरतमंद लोगों को नए जूते चप्पल या पुराने जूते चप्पल कोई भी हो इसे दान करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसे दान करने से आपकी किस्मत आपको साथ देना शुरू कर देती है, यानी कि आपके काम बनने शुरू होते हैं। तो दोस्तों अवश्य ध्यान रखिए, यदि आपके घर में चूने पुराने जूते चप्पल पड़े हैं, तो दोस्तों इसे आप किसी को दान कर सकते हैं। यदि चूने पुराने जूते चप्पल नहीं है तो नए लाकर आप दान कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को दान करने से शनि भगवान की कृपा बनी रहती है। जूते चप्पल दान करने से आपकी किस्मत बदलने लगती है। तो दोस्तों देर किस बात की, शनिवार के दिन जूते चप्पल अवश्य दान करें, इससे आपकी किस्मत आपको साथ देना शुरू कर देगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।